गुरु को घर बुलाना चाहते हैं, हम अपनी विषम परिस्थिति में गुरु के पास जाना चाहते हैं, हम अपनी विषम परिस्थिति में हम गुरु से कुछ पाना चाहते हैं, पर विषम परिस्थिति में गुरु आपके घर ना आए चलेगा। विषम परिस्थिति में आप गुरु के दरवाजे जाएं ना जाएं चलेगा, पर विषम परिस्थिति में जिस गुरु से तुमने मंत्र लिया है उस गुरु का मंत्र आपके कान में बुद्धि में चित्त में होना चाहिए। जब आप कहीं निकल कर जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं विषम परिस्थिति में फंसा हुआ हूँ, तब उस समय पर उस घड़ी में आप गुरु के मंत्र का स्मरण करना, और अगर नहीं भी याद आए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना। हमारे यहाँ कुछ मंत्र वेदव्यास जी के द्वारा लिखे गए, वो भी गुरु मंत्र का काम करते हैं। हमारे कुछ मंत्र हमारे संतों के द्वारा, साधुओं के द्वारा, तुलसीदास जी द्वारा, वाल्मीकि द्वारा लिखे गए, सुखदेव जी महाराज द्वारा लिखे गए, वो भी गुरु मंत्र का काम करते हैं। जैसे भागवत का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शिव महापुराण का ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और महामृत्युंजय मंत्र, ये भी गुरु मंत्र का काम करते हैं। रामचरितमानस का राम नाम, ये गुरु मंत्र का काम कर जा। गुरु की शरणागति में हम जाएं तो ये सोच कर ना जाएं कि गुरु हमने जिनको बनाया है वो हमारी विषम परिस्थिति में सामने आएंगे। ना 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 ना, आप जब पलंग पर पड़े होगे, तकलीफ में पड़े होगे, आपको कोई कष्ट भी आएगा तो गुरु उस समय पर नहीं आएगा। और गुरु को भी एक बात का स्मरण करना चाहिए कि गुरु के जीवन में भी जब तकलीफ आती है, कष्ट आता है, तब गुरु के चेले उसके पास नहीं होते। गुरु ने जिस गुरु से मंत्र लिया है वो मंत्र उस गुरु के पास में होता है। अगर कोई सच्चा सद्गुरु है उसको भी मंत्र का जाप करना पड़ेगा। यह नहीं कि केवल मंत्र दे दिया, अरे कितना कितना सोचने वाली बात होती है। गुरु दीक्षा कोई साधारण है क्या? गुरु मंत्र देना साधारण है क्या? गुरु दीक्षा प्रदान करना कोई साधारण है क्या? तुम आए और नारियल लेकर तुमने गुरु मंत्र ले लिया, अन्न का दाना लेकर गुरु मंत्र ले लिया, जरा सा तुलसी का दल लेकर तुमने गुरु मंत्र ले लिया, गुरु मंत्र केवल तुलसी की माला लेकर अपने गुरु मंत्र ले लिया। गुरु मंत्र लेना साधारण नहीं और गुरु मंत्र देना साधारण नहीं है, बहुत कठिन विषय है, बहुत कठिन। जो गुरु किसी शिष्य को गुरु दीक्षा देता है, नाम दीक्षा देता है, मंत्र दीक्षा देता है, अब वो चेला यदि थोड़ा भी गलत कार्य करता है तो उसका अंश गुरु को भोगना पड़ता है, उस चेले के अंश को गुरु को भोगना है। ये कैसे भी भगवान का एक बार भजन करे, गुरु सोचता है कि इसको मंदिर तक ये चले जाए, भगवान की भक्ति कर ले, दुनिया में कभी जिंदगी में एक अच्छा काम अगर ये कर लेगा तो गुरु का भी नाम होगा, ऊपर भी कह देंगे ये उन गुरु का चेला है जो साधारण नहीं है, उस गुरु का चेला है साधारण नहीं है, इसने ऐसा कर्म करा, इसने ऐसा कृत्य किया और ये उस गुरु का चेला है। और बाद में मालूम पड़े कि गलत कर्म करने पर तो गुरु को भी भोगना पड़े, चेले के कर्म के दंड को गुरु को भी भोगना पड़ता है। तो ऐसा आशीर्वाद दिया गुरुजी ने, दिया तो वो दिया जो तुम्हारी एक बार की नहीं पूरी जिंदगी को संवार दिया, अंत समय तक संवार देता है, वो सद्गुरु होता है, वो गुरु होता है। वो गुरु है, देगा गुरु। एक बात बहुत याद रखना अपनी जिंदगी में, कभी गुरुजी से मत कहना कि हमको आशीर्वाद दे दो, हमारे सिर पर आपका हाथ रख दो, ना 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 ना। आप जिस गुरु से तुमने मंत्र लिया है, जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली है, उसकी दृष्टि आप पर पड़ गई, बस केवल आप उसके सामने चले गए और उसने आपको देख लिया, उसके चेहरे पर तुम्हें देख कर प्रसन्नता आ गई, समझ लेना कि तुम्हारा कल्याण अपने आप हो गया, तुम्हें हाथ रखवाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहीं गुरु के सामने ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं आपका शिष्य हूं, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है, मैंने आपसे दीक्षा ली है, मैं आपका चेला हूं और मैं बड़ा दुखी हूं। ना ना, गुरु के सामने जाना, और जाकर जैसे दशरथ जी ने अपने गुरु जी से कहा था कि मेरी तीन धर्म पत्नियां वैभव बहुत है, सत्ता बहुत है, बस
इस घर की इस सत्ता को चलाने वाला कोई चाहिए। और गुरु ने पुत्र का मिष्ठी यज्ञ कराकर दशरथ जी की गोदी में चार पुत्रों को दे दिया था, क्योंकि कोई शिव रूपी जो गुरु होता है वो देता बहुत है पर सामने प्रकट होकर नहीं देगा। हमारे जो गुरु जी थे श्री विठलेश राय काका जी महाराज गोलोकवासी, उनके स्थान पर बैठे थे परम पूज्य श्री देवकीनंदन श्री महाराज जी गोलोकवासी। हमारे गुरु जी भी और उनके स्थान पर बैठने वाले परम पूज्य श्री देवकीनंदन महाराज जी भी, वो भी बैकुंठवासी, वो भी अब उनके स्थान पर बैठे हैं श्री देवेश कुमार जी। पर हमारे जो गुरु जी थे श्री विठलेश राय काका जी महाराज, आप सीहोर में अगर आप बात करेंगे पूछेंगे जिस समय पर हमारा पुराना मकान देख कर आएंगे, उस मकान में भी हमारे पिताजी के जितने काका बाबा के रिश्तेदार थे भाइयों थे सब उसी मकान में रहते थे। हमारे पास में ऊपर एक हॉल था और एक छोटा सा भगवान का कमरा था जिसमें हम उसे भगवान का ही कमरा कहते हैं कि भगवान का कमरा है, उसमें भगवान की पूजन होती। इतना नहीं था कुछ भी, पर हमारे घर के सामने ही चरखा लाइन में गीताबाई पाराशर रहती थी। उसने उसके पति के शांत होने पर हमसे कहा कि कथा करना है अपने पति के निमित्त, आप कर दोगे? अब उस समय स्कूल का समय, ठीक है कर देंगे, पर तुम्हारा तो गुरु मंत्र नहीं है। अब गुरु मंत्र नहीं, गुरु दीक्षा नहीं तो कथा कैसे करोगे? अब हमको मालूम भी नहीं था कि गुरु मंत्र भी जरूरी है। ठीक है, कहाँ जाकर मंत्र ले लें? उन्होंने कहा इंदौर चले जाओ, और इंदौर में लाल हॉस्पिटल के पास में श्री विठलेश राय काका जी हमारे गुरु हैं, आपके तो बन जाएंगे। अपने मन में भाव आता है ना, पति कह देता है पत्नी से मेरे गुरु जी ये हैं तो तू भी इनको बना ले, पत्नी कह देती अपनी बहन से मेरे गुरु जी ये हैं ना तू भी बना ले, ऐसे उसने हमसे कहा कि तुम इनको गुरु बना लो, गुरु दीक्षा ली। अब हमको नहीं मालूम था कि वहाँ धोती पहनना पड़ती है गुरु मंत्र के लिए, दीक्षा के लिए। ना धोती थी, ना इंदौर जाने का धन था, ना पैसा था। हमारे माता पिता हमको पेट भर कर खिला लें, दूसरी जगह जाने की तो बहुत बड़ी बात थी। फिर भी वो गीताबाई पाराशर जो रोटी बनाने का काम करती थी, उसने जो पैसा उसके पास था टिकट कटवा कर इंदौर भेज दिया। चरखा लाइन में सीता दीदी सीमा अग्रवाल रहती थी, उनका भाई मनीष आज भी रहता है यहाँ, तो वो सीता दीदी का घर वहाँ था, सीता सुरेखा इंदौर में, उनका पता दे दिया। हम पूछते पूछते पलासिया पहुंच गए, उनके यहाँ से उनकी गाड़ी में बैठ के हवेली जी पहुंच गए। उन्होंने कहा गुरु मंत्र कल मिलेगा, अब एक दिन भारी कहाँ रुके, दीदी के यहाँ रुक कर प्रसाद पाकर दूसरे दिन। अब वहाँ पूछा गया तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं? अब हमारे पास में कपड़े हो से तो बात दूसरी, या तो दिवाली आए तो कपड़े कब आता है, और दिवाली भी आए तो पहले सरकारी कपड़ा देखा जाता था, एक जैसी थान कट के आ जाती थी, सब पहन लो कपड़ा। गुरुजी के सामने कह दिया कुछ भी नहीं है, अब जो है हम तो बस केवल शरीर है। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा जाओ जरा धोती लाओ, धोती पहनाओ, स्नान कराया, धोती बांधना नहीं आती थी उन्हें सिखाया। आखिरी में मंत्र देकर उन्होंने कहा भोजन करा है आपने? हमने कहा नहीं, कब से ना करा। कोई ने कहा था मंत्र लेते हैं तो उपास रखना पड़ता है, हमारे गुरु का शब्द था, कितने सालों उपास करेगा, गुरु का शब्द था, कितने सालों उपास करेगा, चल मंत्र ले। हमारी गुरु माता ने भोजन परोसा, गुरु जी ने भोजन कराया, सौंप और सुपारी हाथ में लेकर ले खाओ, खा लिया। एक छोटी सी पोथी हाथ में पकड़ा कर कह दिया तेरे पंडाल छोटे पड़ेंगे जा। ये गुरु होता, वो सौंप सुपाड़ी नहीं थी, हमारे गुरु की वाणी उसने अपने हाथ से निकाल कर दे दी, ये सौंप सुपाड़ी नहीं ले खा। और कौन गुरु होगा जो अपने शिष्य को सौंप और सुपाड़ी खाने को देगा? ले खा,
सौंप सुपारी मिली हुई गुरु ने दिया, खाया, पोथी दे दी, ले जा, छोटे चिंता ना करना। आते आते दो धोती गुरुजी ने अपनी धर्म पत्नी गुरु माँ से कहकर झोले में रगवा दी, पटू का लगवा दिया, ले जा। गुरु गुरु होता है जीवन, उसके बराबर कोई नहीं हो सकता। क्या दोगे आप गुरु को, क्या प्रदान करोगे आप गुरु को? आप अपनी माता रूपी गुरु को क्या दे सकते हो? पत्नी को तो जेवर दिला देते हो, बहन को सामान दिला देते हो, भाई को ये दिला देते हो, कभी माँ को कुछ दिलाया जीवन में? माँ को लोग कहें तुमने हमारे लिए क्या करा, उसने जो उपकार करा दुनिया में कोई नहीं करता। गुरु माँ हो चाहे पिता हो चाहे शिक्षक हो, तुम्हारी पहचान तुम्हारे भजन से होना चाहिए। यहाँ जितने लोग आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर, शिव के धाम पर, पूरी दुनिया में घूमकर आना, चारों धाम घूमकर आना, 12 ज्योतिर्लिंग घूमकर आना, सारे तीर्थ घूमकर आना, किसी तीर्थ में, किसी धाम में, किसी स्थान पर सब जगह भगवान की पूजन होती हुई दिखेगी, मंदिर में पूजन होती दिखेगी, पर पूरे भारत की भूमि का केवल एक धाम कुबेरेश्वर धाम है जहाँ कंकर की पूजन होती दिखती है। आप जितने वीडियो बनाओ, आप जितने फोटो खींचो वीडियो बनाओगे, आप देखना माँ जितने भी मिलेंगे आपको पूरे कुबेरेश्वर धाम के अंदर, पूरे कुबेरेश्वर धाम के अंदर लोग कंकर की पूजन करते मिलेंगे। और क्या है ऐसा कंकर में जो पूजन करके जाता है 3 महीने में आ जाता है? कंकर में ऐसा क्या है? तो उसके भीतर वो कंकर की पूजन कर अपने भीतर के शंकर को प्रकट कर लेता है और शंकर उसकी सुनकर उसका मनोरथ पूर्ण कर देता है। सारी दुनिया बालू रेत पड़ी तो उसमें से लोगों ने शंकर की पूजन कर ली, कोई पत्थर लगाने के लिए रेत आई तो उसमें शंकर जी को ढूंढ ले, ये ढूंढ रहे हो आप शिव को। ये पूरी दुनिया की पहला धाम है कुबेरेश्वर धाम। सारी दुनिया में बोट राशि ठाट मिलेंगे, दर्शन भी मिलेगा, होटल भी मिलेगी, ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, पर पहला कुबेरेश्वर धाम है कि सबसे पहले आते से ही तुम्हें पहला काम करना पड़ेगा। सारी दुनिया में तो मंदिर में भगवान बैठा है तो ढूंढने की भगवान को जरूरत नहीं पड़ती। 12 ज्योतिर्लिंग में चले जाओ, उज्जैन जाओगे तो महाकाल के मंदिर जाओगे, ओमकारेश्वर जाओगे तो महाकाल के मंदिर जाओगे, आप काशी जाओगे तो विश्वनाथ के मंदिर जाओगे। पहला धाम है जहाँ आकर लोग होटल बाद में ढूंढते हैं, खाने का सामान बाद में ढूंढते हैं, पहले आकर कुबेरेश्वर धाम का कंकर ढूंढते हैं, शंकर ढूंढते हैं। ये पहला धाम जो दरवाजे से अंदर घुसा, जो कुबेरेश्वर धाम के दरवाजे से अंदर आया, उसने सबसे पहला काम यही करा, 5 कंकर हाथ में उठाकर और कंकर में शंकर को ढूंढकर बैठ गई, स्नान करा रही है, धतूरा चढ़ा रही, बेलपत्र चढ़ा रही, दिया लगा रही, उस कंकर में शंकर को ढूंढ रही है। पहला धाम जहां लोग शिव को ढूंढने के लिए आते हैं और शंकर छुप नहीं पाते, तुम्हारे साथ चले जाते हैं। ढूंढो उस शिव को, ये ललकता, ये उत्साह, ये उमंगता भगवान को ढूंढने की तुम्हारे भीतर होना चाहिए। श्रावण के महीने में जब श्रावण चालू हो रहा है, पूरे श्रावण के महीने में आप शंकर के मंदिर में जाओ, शंकर की भक्ति करो, दिखावा ना करना, शंकर को अपना बनाने का प्रयास करना, शंकर के साथ छल ना करना। शिव तुम्हारे हैं, तुम शिव के हो, कोई कितना भी दूध चढ़ाए, कितना भी दही चढ़ाए, वो कितने भी ठाट से 1,00,000 बेलपत्र चढ़ाए, कोई 1,000 बेलपत्र चढ़ाए, तुम तो उतनी चढ़ाना जो तुम्हारा दिल से, एक अगर नहीं भी है तो धोकर उठाकर वही चढ़ा देना, भगवान स्वीकार कर लेगा, दिखावा नहीं। कोई कहेगा हम तो पूरे सावन में हम अभिषेक करते हैं मंदिर जाकर, पूरे सावन में
तो उनसे कह देना, भैया सावन के महीने में हम पूरे मंदिर तो नहीं जा पाते, पर सावन की जो शिवरात्रि आती है, सीओर वाला महाराज ऑनलाइन पूरे देश में अभिषेक कराता है, तब हम भी छोटा सा शिवलिंग बनाकर टीवी के सामने बैठ जाते हैं और कर लेते हैं। और अब की बार तो सावन भी है और अधिक मास भी है। प्रत्येक वर्ष का नियम है, सावन की शिवरात्रि पर ऑनलाइन अभिषेक करते हैं। करते हो आप लोग सब ऑनलाइन अभिषेक? अब की बार दो अभिषेक रहेंगे, एक सावन की शिवरात्रि का रहेगा और एक अधिक मास भी जो तीन साल में पड़ता है उसकी भी शिवरात्रि का रहेगा। दो अभिषेक ऑनलाइन पड़ जाएंगे अब की बार, एक सावन की शिवरात्रि का और एक अधिक मास की शिवरात्रि का, क्योंकि अधिक मास की शिवरात्रि भी, अधिक मास की शिवरात्रि का एक बहुत अच्छा नियम है, अगर बना सको तो करिएगा। अधिक मास में जो शिवरात्रि आए प्रयास करना, अगर छोटी सी भी गुमठी लेकर बैठे हो, ठेला लगा रहे हो, व्यापार नहीं चल रहा, धन की कमी हो, पैसा नहीं हो, बहुत हताश हो गए हो, टेंशन में जिंदगी जी रहे हो, तो अधिक मास की शिवरात्रि मत छोड़ना। पांच दिए अधिक मास की शिवरात्रि पर जरूर लगाना। पहला, शंकर मंदिर के द्वार पर, मतलब शिव मंदिर के बाहर। दूसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। चौथा, नदी का घाट या कुएं का घाट या तालाब का घाट या सरोवर का घाट या आपके घर में कोई पानी का हंडा हो उसके पास में। और पांचवा, अपने दरवाजे की चौखट पर राइट हैंड में दिया अवश्य लगाएं। ये अधिक मास की शिवरात्रि पर जरूर करना। जिंदगी में कितना भी धक्का खा रहे हो गए, भगवान हाथ पकड़ कर खींच कर बाहर कर ही देगा। शिव तत्व को जान, अपने भीतर एक बात का स्मरण रखें, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु के दरवाजे पर जब भी जाना तो अहंकार को बाहर पटक कर जाना, अभिमान को बाहर छोड़ कर जाना।